अलवर जिले में कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक मेव समाज कहलाता है, लेकिन कांग्रेस में संगठन में स्थान ना मिलने से खफा मेव महासभा राजस्थान के लोगों ने नगली सर्किल पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट और जिला अध्यक्ष टीकाराम जूली का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। यहां मौजूद समाज के लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अलवर में महासभा राजस्थान अलवर की ओर से कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी की गई सूची के विरोध में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और कांग्रेस पार्टी के अलवर जिला अध्यक्ष टीकाराम जूली का पुतला फूंका और विरोध प्रदर्शन किया। मेव समाज के लोगों ने कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए। मेव महासभा राजस्थान अलवर के जिला अध्यक्ष कासिम खान ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट का मुस्लिम विरोधी नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। अलवर लोकसभा में 3.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, जबकि किशनगढ़ बास विधानसभा में 45,000 मुस्लिम होने के बाद भी उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी द्वारा जो सूची जारी की गई है उसमें किसी भी बूथ से मुस्लिम समाज के एक भी आदमी का नाम नहीं भेजा गया, जिसके विरोध में पुतला फूंका गया है। और उन्होंने बताया कि अलवर मेवात में मेव समाज के 95% लोग कांग्रेस पार्टी को ही वोट देते हैं, उसके बाद भी किसी भी बूथ से मुस्लिम समाज के व्यक्ति का नाम ना भेजना सोची समझी साजिश है। ये जो विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हो, ये अलवर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष टीकाराम जूली व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट की मुस्लिम विरोधी नीति के खिलाफ है। मुस्लिम वोटर्स यहाँ पे सबसे ज्यादा तादाद में 3.5 लाख से ज्यादा वोटर्स होने के बावजूद भी मुस्लिम्स को नजरअंदाज किया जाता है। अलवर लोकसभा क्षेत्र में 3.5 लाख मुस्लिम है और किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 45,000 से 50,000 मुस्लिम वोटर्स है। उसके बावजूद भी किशनगढ़ वास के दोनों बूथों से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हाल ही में जो सूची जारी की गई है उसमें एक सिंगल नाम नहीं भेजा गया है। और इसी तरीके की एक दोगला नीति इन्होंने लक्ष्मणगढ़ में की है, जहां मुस्लिम्स के 30,000 के आसपास वोट हैं, जहां भी मुस्लिम मेंबर का किसी का भी वहां के बूथ से पीसीसी सदस्य बनने का राइट बनता है, वहां भी नजरअंदाज किया गया है। और इसी तरीके का हालात इन्होंने अलवर ग्रामीण में पैदा किए हैं। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंदर दोनों बूथों से जहाँ मुस्लिम्स के 55,000 से 60,000 वोट है, वहाँ उनको नजरअंदाज कर दरकिनार किया गया है। इस तरीके की इनकी मुस्लिम विरोधी नीति के खिलाफ आज हमने आंदोलन किया है और इनका पुतला दहन किया है। हमारी मांग ये है कि हमारे जितने भी मुस्लिम बूथ है अलवर के अंदर, अलवर मेवात में, हम 95% वोट कांग्रेस के अंदर देते हैं। हमारी वफादारी के हिसाब से कांग्रेस हमें 50% बूथ पे तो कम से कम हमारे सदस्य होने चाहिए।